आप सबको नमस्कार। आज आपका ब्लड टेस्ट में शुगर लेवल्स ज़्यादा है क्या? दवाइयाँ शुरू करने के लिए सोच रहे हैं क्या? ठहरिए, वो टेस्ट गलत हो सकता है। माय डॉक्टर मधुबाबू, संजीवनी प्राकृतिक आश्रम हैदराबाद से। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हमारा शुगर टेस्ट गलत हो सकता है। ध्यान से सुनिए। कल रात डिनर कब का आया? आज सुबह ब्लड टेस्ट कितने बजे दिया? बीच में कितने घंटे का गैप है? यही ये मेन रीजन हमारा ब्लड टेस्ट गलत आने का। कम से कम 12 घंटे का गैप रहना जरूरी है। आप सोचें, कल डिनर कब किया, आज ब्लड टेस्ट कब दिया? बीच में 12 घंटे का गैप है ना? नहीं तो आपका ब्लड टेस्ट गलत ही रहेगा। दूसरा रीज़न आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कल रात आपका नींद कैसे था? ढंग से नींद नहीं आने पर आपका शुगर लेवल्स ज़्यादा रहेगा। देख लिया? क्या कल आप किसी विषय से स्ट्रेस या परेशानी में थे क्या? तो आपका शुगर लेवल्स गलत ही होगा। देखिए, छोटे छोटे विषयों से हम स्ट्रेस लेने से हमारा हेल्थ कैसे खराब हो रहा। टेंशन लिए तो हमारा बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता, इसीलिए हमारा शुगर लेवल्स भी बढ़ेगा। इसलिए हम बोलते, गरम गरम बात करें तो हमारा ब्लड में स्वीटी स्वीटी शुगर ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिए। कल आप कितने गिलास का पानी पिया? प्यास नहीं लगा इसलिए पानी नहीं पिया, ऐसा आप बोल सकते, लेकिन ये शुगर के बारे में क्या बोलेंगे? यही आपका गलती है, ऐसा करे तो शुगर जरूर बढ़ेगा। और एक विषय है, आज आप ब्लड टेस्ट के पहले जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, किसी भी प्रकार का व्यायाम किया क्या? उसके बाद में जाके ब्लड टेस्ट दे दिया तो आपका ब्लड टेस्ट 100% गलत होगा, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से हमारा बॉडी में फैट बर्न होता है, तो हमारा ब्लड में शुगर लेवल्स ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों का बॉडी में सुबह सुबह पैंक्रियास अंडर एक्टिव रहेगा, इसलिए इंसुलिन सिक्रेशन भी कम रहेगा। वो लोगों का उस समय ब्लड टेस्ट करवाए तो शुगर लेवल्स ज़्यादा दिखेगा। इसको हम बोलेंगे डॉन फिनोमेना। आपका बॉडी इस टाइप का है तो ये शुगर टेस्ट गलत है। इसी तरह कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे केमिकल एक्सपोजर और फीवर, कॉफ, कोल्ड के जैसा छोटे छोटे बीमारियां है तो, और कौन सा मेडिसिन
आप यूज़ कर रहे हैं अभी, और ये एट्रिवियन नहीं तो विक्स का जैसा नेजल स्प्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपका शुगर लेवल्स ज़्यादा ही होगा। ये वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मधुमेह या डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। हमारा जीवन शैली में छोटे छोटे चेंजेस करके हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। दवाइयाँ लेने का सोच रहे हैं क्या? तो मत कीजिए। आप दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं क्या? तो भी कोई बात नहीं है, इसको भी हम धीरे धीरे से कट करके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रख सकते हैं। 20 सालों से हमारा संजीवनी आश्रम में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स इसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेके क्यूर हो गया। वो कैसे है, किसी प्रकार से करेंगे, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारे संजीवनी प्रकृति आश्रम हैदराबाद में हर वीक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इन दिनों में 9 बजे से 12 बजे तक सुबह सुबह याद रखिए फ्री कंसल्टेशन चल रहा है। आपको भी स्वागत है, सुनने के लिए हम भी तैयार है। याद रखिए घर की दवा ही असली दवा, हमारा माँ के हाथों में भगवान की दुआ। नमस्कार।